आत्मनिर्भर राहत पैकेज के दूसरे दिन सरकार ने गरीब प्रवासी मजदूर किसानों को क्या क्या दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान पीएम मोदी ने किया था, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के बारे में विस्तार से बता रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि किस सेक्टर को क्या मिला है। प्लान के दूसरे दिन वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों, किसानों, प्रवासी मजदूरों के लिए राहत पैकेज के बारे में बताया। सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की तैयारी में है, साथ ही प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज और कम किराए वाले मकान की योजना का भी ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं ऐलान में किसे क्या मिला। पहले नंबर पे प्रवासी मजदूर, इनको क्या मिल रहा बताता हूं। अगले 2 महीने के लिए बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देगी। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। इसका पूरा 3,500 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूर परिवारों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलेगा। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस योजना के तहत मजदूर चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वहां के राशन डिपो से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। इसका फायदा उन सभी प्रवासी मजदूरों को मिल पाएगा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य में वापस गए हैं, उनकी मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वाह भाई, ये कहना उनका। पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रावधान। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम कीमत पर किराए के मकान मिल सके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका इंतजाम किया जाएगा। राज्य सरकारें और उद्योगपति भी इसमें अपना योगदान करेंगे। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर न्यूनतम वेतन का फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए पूरे देश में एक जैसा न्यूनतम वेतन कानून लागू किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो। मजदूरों को नियुक्त पत्र दिया जाएगा, साल में एक बार उनका हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के जरिए ध्यान रखा जाएगा। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण और सहकारी बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए की मदद दी है। किसान रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या है। 3 करोड़ के लगभग छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सुविधा का ऐलान किया गया है। यह धनराशि नाबार्ड द्वारा जाने वाले 90,000 करोड़ रुपए से अलग है। क्षेत्रीय और सहकारी बैंक ये मदद किसानों तक पहुंचाएंगी। किसानों के लिए 30,000 एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड बनाया जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों, पशुपालन और मछली के व्यवसाय में लगे लोगों को रियायती दर पर कर्ज देने के लिए निर्धारित की गई है। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, इन्हें रियायत दर पर कर्ज मिलेगा। इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे। रेहड़ी पटरी वाले और घरों में काम करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहयोग राशि का ऐलान किया गया है। इससे हर व्यक्ति को 10,000 रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। सरकार इस योजना को 1 महीने के भीतर लॉन्च भी कर देगी। लगभग 50 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हाउसिंग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है। सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को अब मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे मिडिल इनकम ग्रुप के करीब 2.5 लाख परिवार को फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में फायदा होगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना इनकम 6 से 18 लाख के बीच हो, उनके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना मई 2017 से चल रही है। पहले इस मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था, अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हाउसिंग में 70,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मध्य आय वर्ग को 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना का ऐलान किया गया है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।